नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट प्लेस नियर इट्स सरफेस पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल पहला ऑप्शन है अपना फ्लाई अप या फिर स्लिप अलॉन्ग द सर्फेस फ्लाई अलॉन्ग द टेंजेंट टू द अर्थ सर्फेस या फिर रिमेन स्टैंडिंग नो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नॉन प्रैक्टिकल बट कॉन्सेप्चुअल सवाल है सो so, स्नैरियो ये है कि पहले तो ये अर्थ है अपनी और लेट्स से ये आपकी अर्थ है और लेटेस्ट से यहाँ पर्सन इज स्टैंडिंग है नाउ हाँ यहाँ पे अर्थ का रोटेशन ये वाला इफेक्ट और ये वाला इफेक्ट ये सब हम नेगलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो आपके फोर्सेज लग रहे हैं इस बंदे का अगर हम एफ बनाएं सो तो इस मैन के एफ को हम ये कह सकते हैं कि नीचे तो आपका एक फ़ोर्स लगा एम और ऊपर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल क्योंकि एम नीचे लगा है इसलिए नॉर्मल ऊपर लगेगा नॉर्मल इज अ रिएक्शन फोर्स नॉर्मल नॉर्मल हमेशा एक्शन के बाद लगता है ना ऑल ऑफ अ सडन मान लीजिए एम लगना बंद हो जाए उस केस में आपका नॉर्मल भी लगना बंद हो जाएगा सो so उस केस में बंदा वहाँ पर इट विल रिमेन स्टैंडिंग वुड बी द राइट आंसर कि उस केस में अभी अगर मैं नीचे हूँ यहाँ पे और मैंने नीचे एम लगा रखा है इस सरफेस से अगर मजबूत सरफेस है तो मुझे नॉर्मल बराबर मिल रहा है और अगर मान लो एक रस्सी है या फिर हम मेट्रो में या लोकल ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं मान लो मैं ऐसे पकड़ लूँ अपने आप को अपना वेट जस्ट पुल अप कर लूँ उस केस में ग्राउंड से नॉर्मल जीरो हो जाएगा ठीक है तो वो वाला स्नैरियो उस केस में पर्सन विल रिमेन स्टैंडिंग तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर